तो भाई लोखा में रहते हैं, मतलब नियर में रहते हैं, उनकी खुद की शॉप है, स्टोर खुद का खोल रखा है उन्होंने। और मैं आपको जलेबी दिखाता हूँ, जो हमारे दिल्ली में जो जलेबी होती है ना, अलग टाइप की होती है। यहाँ पे जलेबी देखोगे फूल की तरह जलेबी बनाती है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। Baby, you give me ice and fire. You give
पूजा पाठ कर रहे हैं। देख सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं। तो सो गाइस देख रहे हो आप यहाँ पे, मतलब कोई पूजा कर रहे हैं, आज कोई त्यौहार है, मतलब कार्तिक पूर्णिमा है, तो यहाँ पे पूजा वूजा कर रहे हैं। हम यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा जूम करके भी भक्ता खिला रहे हैं। अच्छा, कहने का मतलब हिंदी में समझाओगे? मतलब भाग क्या होता है ना, हाँ, तो मतलब किसी चीज का डांस जोगिन हो जाता है, हाँ, वही चीज कर रहा है। अच्छा अच्छा, उसको भगाने के लिए यहाँ बहुत ज्यादा त्यौहार मनाया जाता है, उसी से लोग वहाँ पे आते हैं इतना दूर। अच्छा, अपना सुकून मतलब पूरे परिवार को बचाने से, मतलब अपने परिवार के लिए कुछ जो भी करते हैं। हाँ। तो गाइस देख रहे हो कितनी कहाँ तक है ये, मतलब ये, हाँ, ये आपको चल जाएगा छपरा बिहार। कहाँ पे? छपरा बिहार। छपरा से लास्ट हो जाएगा यूपी जाएगा, तो यूपी सीधा जाएगा, यूपी से सीधे जाएगा आपका दिल्ली। अच्छा, दिल्ली भी पहुँचेगा? और क्या, हाँ यार, क्योंकि रिवर है, रिवर तो भाई सब जगह जाती है, जहाँ रास्ता मिल गया उनको वहीं पहुँच जाएगा ये। और भाई सो जाए, मैं आपको दिखाने पुल जो बना रखा है, मतलब कितनी पब्लिक ऊपर यहाँ पे, और जो कितनी पब्लिक है। मैं जब आया मुझे लगा यहाँ पे मेट्रो वेंट्रो भी स्टार्ट होगी, बट ये मतलब पब्लिक के लिए बना रखा है, जितने भी यहाँ पे चलने वलने के लिए रास्ता, मतलब पहले नहीं थे, ये नया बने, ये रोड, ये जो रोड बना है, जो पुल बना, बना कितने साल में बना है? 2 साल हो गए, कम से कम 2 से 2.5 साल हो गए, 2 से 2.5 साल। अच्छा, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है यार मुझे, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं जरूर घूमूंगा गाँव, अपने गांव के नज़ारे दिखाऊंगा। और आपको मैं अपने नेपाल की जो वीडियो आपने देखी होगी, बहुत अच्छा भी लग रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स करके भी पूछ रहे थे मुझसे, फिर वहाँ का व्यूज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप नेपाल भी गए थे, तो मैं आपको अपने गाँव का भी सीन दिखाऊंगा, वहाँ पे जितने भी नियर बाय में खेत भी, जितने भी मेरे घर के हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और नेपाल की जो बॉर्डर है उस पार जो है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों में भी दोबारा मैं जाऊंगा, वहाँ के जो छोटे छोटे गांव होते हैं, जो लोकल एरिया होते हैं वहाँ के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे खुद अच्छा लग रहा था वहाँ पे, तो फिर मैं आपको मिलूंगा। चलो मैं थोड़ा आगे चुन के दिखाता हूँ, यहाँ पे मेला भी है, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी है यहाँ पे जो मेला हुआ है, तो सो गाइस बताएं, यहाँ पे मेला भी है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, वो भी सीन आपको दिखाऊंगा मेला के अंदर, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस पानी के अंदर जा रहा हूँ, बहुत ठंडा, इतना ठंडा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि इतना ठंडा जैसे हमारे पास वहाँ पे होता है, डीवर के पानी होती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, देख रहे हो इतना ठंडा लग रहा है, पानी चारों तरफ पानी पानी है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू भी दिख रहा है, क्योंकि मैं दिखाता ना आपको नज़ारा, तो बात ही अलग होती। और देखो पानी कितना है, तो कितना पानी हुई, और आपको दिखी नहीं होगा, अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी दिख रही थी। चलो मैं रियल कैमरे में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा करके, तो ये देखो कितना पानी है, और यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी है, भाई लहर बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत बड़ी लंबी लहर है। पानी देख रहे हो, कितना ठंडा पानी है बताना एक बार अपने हिसाब से, बर्फ ठंडा पानी होगा बहुत ज़्यादा बर्फ, जो फ्रीज में यूज़ करते हैं ना पानी, उस तरह ही मान लो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में पानी जैसा होता है वैसा पानी है। और जैसे भाई दिल्ली में आप सब रहते हो, दिल्ली का पानी बताइए वो किस तरह का होता है, बहुत ही ठंडा पानी है, क्योंकि भाई ये पानी कहाँ से आ रहा है, वैसे नेपाल से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, कोसी भाई
मतलब नेपाल के कोस साल। अच्छा, जो माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा, नेपाल में सबसे बड़ा जो माउंट एवरेस्ट है, जो मैंने बताया जहाँ पे नेपाल के जो माउंट एवरेस्ट है ना, वहाँ पे वहाँ जो झीलों से पानी जो इसमें आता है, झील के अंदर वहीं से मतलब जितना सारा पानी वहीं से आता है, झीलों से ही आता है। और वहाँ पे आपको आपने लहान का नाम सुना होगा, नेपाल के अंदर लहान है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे, और उसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ है नेपाल के अंदर, और वहाँ पे वहीं से झरनों में से पानी वहाँ से गिरता होगा सारा। और वहाँ पे डैम भी आपने दिखाया होगा, मैं डैम आपको कभी वहाँ पे जाऊँगा तो मैं आपको डैम भी दिखाऊंगा, नेपाल का डैम होता है जो वहीं से पानी जब छोड़ते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब बिजली भी बनता है, वहाँ पे बिजली मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वहाँ पे बना रखे बिजली भी बनता है वहाँ पे। और डैम जब बारिश की जब पानी की कमी होती है वहाँ से धीरे धीरे छोड़ते हैं। अब पूरा छोड़ा ना तो भाई यहाँ पे जो आधा बिहार है पूरा ही डूब जाएगा, समझ लो इतना पानी है वहाँ पे। ठीक है, तो भाई आ गया, तो फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ सीन, मेले के अंदर सीन दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ मेले में बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही हैं। और वहाँ पे मार्केट में किस किस तरह की मार्केट लगती है, मतलब बिहार के अंदर जो छोटी छोटी जो लोकल एरिया जो लोकल बंदे होते हैं ना, जो मतलब खुद के अपने मतलब खुद का एक बिजनेस बना रखे हैं, मतलब खुद का एक स्टॉल खोल रखा है, छोटे छोटे स्टॉल होते हैं जो मार्केट के होते हैं, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा उसी तरह के स्टॉल खोल रखे हैं, मतलब खाने पीने के जो सामान सारे मिलते हैं यहाँ पे, और सारे भाई